अपने पाप को मिटाने हम भी चले आए पाप मिटाने, क्योंकि अब नई शुरुआत करेंगे इस वजह से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी द व्लॉग। तो अभी दिन के सुबह के बज रहे 3:30 और पैकिंग मतलब इतना सामान जा रहा है, लग रहा है वही बसने जा रहे हैं ऋषिकेश में। तो अभी फ़िलहाल अभी तो पहले हरिद्वार जाएंगे और कल हमारा फिर ऋषिकेश का प्लान है। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सही जो है प्लान होगा। बाय द वे सिम्बा भी हमारे साथ है। तो यू ऑल गाइस आर रेडी? रेडी। चलो फिर चलते हैं। तो अभी हमने पहला ब्रेक लिया है। सभी को बहुत ज्यादा तेज नींद लग रही थी, इनकी तो आंखें बंद हो रही थी। सभी लोग सो गए थे भाई, सभी लोग सो गए थे। मेरी तो नींद पूरी कंप्लीट है, कल बहुत सोए। सो गए इनकी भाभी तो पूरे रास्ते पर सोते आए। सिम्बा भी सो रहा था, मतलब पूरे रास्ते भर सोया है ये बंदा। अब भाई ट्रिप में कोई सोएगा नहीं, क्योंकि अब सबकी नींद भी खुल गई है, सब फ्रेश भी हो चुके हैं। फिर मजा नहीं आ रहा है ऐसे, सब लोग सो रहे हैं, मतलब कोई हाँ मतलब थोड़ा सा एक वाइब होनी चाहिए ना। सिम्बा आगे चले जाओ। सो गाइस, अभी हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी सी वाइब्स आ रही है और पहाड़ कितने दिनों बाद देख रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे सामने देखो कितना सही यहाँ पे पहाड़, मतलब कितना सही लुक आ रहा है। ये हमारी गाड़ी पार्क है। अभी एक्चुअली में भैया लोग गए हुए हैं ना होटल देखने को, क्योंकि यार पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, होटल सारे के सारे फुल हो रखे हैं। और यहाँ पर जो सारी पार्किंग है ना, इतनी सारी, इधर पार्किंग है उधर भी पार्किंग है, ये दोनों तरफ की पूरी फुल पार्किंग हो रखी है। तो ये हमें एक रूम मिला है, काफी सही सा है। इसमें यहाँ पे दो लोग इधर, मतलब दो लोग इधर और तीन लोग इधर है, काफी बड़ा सा रूम है। और ये सिम्बा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका खाना मतलब सॉरी लेटा हुआ है। अरे मतलब जज्बात समझिए मेरी। उत्तराखंड में आके कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ट्रैवलिंग करके मुझे। तो भी हम शाम को आए यहाँ पे हरिद्वार में घूमने भी और दर्शन भी करने। एक्चुअली में इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको बताऊँ इतनी भीड़ है ना। एक्चुअली में गुड फ्राइडे था, तो गुड फ्राइडे भी है, वीकेंड पड़ गया, और भाई सबके सब पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हो गए, हमारे जैसे सारे के सारे लोग। तो मतलब मनसा देवी और चंडी देवी का तो भाई सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया, मतलब जा ही नहीं पाया, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ थी। और कोई ऑटो या ड्राइवर कोई जाने वाला तैयार भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें। फिलहाल अभी ये एक मंदिर है, इसी मंदिर में आए हुए ये है ना, तो काफ़ी सही है। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हर की पैड़ी पे, और ये देखिए मेरे हाथ में सिम्बा कितना प्यारा लग रहा है। चलते हैं अब आगे। बहुत ज़्यादा भीड़ रखी है भाई यहाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो यार बता रखा था ना गुड फ्राइडे की ये वीकेंड है, सब कुछ है, तो भाई सब के सब आ रखे हैं यहीं हरिद्वार में अपने पाप को मिटाने। हम भी चले आए पाप मिटाने, क्योंकि अब नई शुरुआत करेंगे इस वजह से। तो भैया और बाकी लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं। ये भैया फोटो शूट कर रहे हैं।
तो अभी जल्दी से फोटो शूट करते, थंबनेल बनाना है ना इस वजह से। भाई लखनऊ का मौसम इतना ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ आके भाई मज़ा आ गया। पूरा चिल मार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सही है यार। ठंडा ठंडा सा मौसम है, गंगा जी भी ठंडी ठंडी, भाई मज़ा आ गया। मन तो कर रहा नहाने का, लेकिन ऋषिकेश जाएंगे ना तो वहीं पर ही डुबकी मारेंगे, वहाँ बहुत मज़ा आएगी। तो अभी रात के 12:30 मतलब 12:40 हो रहा है, और खाना बहुत तेज़ भूख लग रही है। सभी के सभी लोग यहाँ पे खाने के लिए रेडी हो गए। और तो आपने जैसा कि देखा कि हम लोग यहाँ हरिद्वार में आए हुए हैं, और आज का स्टे है, और कल हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान है हम लोग के। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। देख लेना, वहाँ 3 दिन में एक ही कपड़ा पहने रहे। सही चल रहा है, मतलब ब्लॉग में कमेंट करूंगी सही में। अरे हम तो यहाँ भी तो रुकना था तो